बात करते हैं सीकर की, जहां धोद थाना इलाके में तेज रफ्तार से आ रही बोलेरो ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं पीछे बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बाद बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया है। धोद रोड पर कासली गाँव के पास पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार से आ रही बोलेरो ने बाइक सवार युवक और महिला को टक्कर मार दी है। हादसे में युवक की मौत हो गई है, तो वही महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। मृतक धोद का रहने वाला महेंद्र था। महेंद्र अपने छोटे भाई की पत्नी को सीकर डॉक्टर को दिखाने के लिए आया हुआ था। डॉक्टर को दिखाने के बाद धोद लौटते समय हादसा हो गया है। महेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, तो वही महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक महेंद्र पिकअप चलाकर अपने परिवार का खर्चा चलाता था। वहीं मृतक के पिता खेती का काम करते हैं। महेंद्र के 1 साल का लड़का और 3 साल की लड़की भी है। वहीं हादसे के बाद बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।